केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं प्रदेश भर के सभी जिला में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कुल्लू जिला के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जरण में जिला स्तरीय गुणात्मक शिक्षा सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की कुल्लू जिला के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जरड़ में जिला स्तरीय गुणात्मक शिक्षा सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सीताराम बंसल ने गौरव सिंह को कुल्लूवी टोपी मफलर भेंट कर स्वागत किया इस अवसर पर प्रिंसिपल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जरड़ चांद किशोर शर्मा ने उपनिदेशक सीताराम बंसल को सम्मानित किया एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुल्लू जिला में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है उन्होंने कहा कि छात्रों को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए वहीं अपने आसपास नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों और नशा बेचने वाले व्यक्तियों पर नजर रखनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सीताराम बंसल ने बताया कि कुल्लू जिला के जरर डाइट में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तरीय गुणात्मक शिक्षा सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम ब्लॉक व जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी जी, आज जिला स्तरीय एस एम सी को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम डाइट कुल्लू के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु सभी समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों के उन प्रमुखों को प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है कि अपने विद्यालय के अंदर समग्र शिक्षा के माध्यम से विद्यालयों के प्रांगणों का सुचारू रूप से वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था स्वच्छ स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था और विद्यालय में अच्छे बच्चों को उनको पढ़ने का वातावरण बनाने का जो है ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है इस सामुदायिक सहभागिता के पीछे एक मुख्य मूल उद्देश्य ये भी रहा है कि जो हमारे आने वाले एक अप्रैल से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम ये इसमें आयोजित किया जा रहा है कि लोग अपने इस नई शिक्षा नीति को समझें और इस नए शिक्षा नीति के अंदर जो बच्चों के लिए जो नए शिक्षण कार्यक्रम जो इसमें आयोजित किया शामिल किया गया है जिसमें बच्चों को स्किल आ, ऐसे कोर्सेज जो है स्किल के संबंधित जो है इसमें करवाए जाएंगे तकनीकी से संबंधित उन बच्चों को शिक्षण और प्रशिक्षण उसमें दिया जाएगा उसके बारे में भी इस जागरूकता अभियान में जो है वो ये कार्यक्रम हमने रखा इस कार्यक्रम को हमने एक पूरे जिले के अंदर चलाया सभी खंडों के अंदर चलाया और सभी खंडों के अंदर और उसके बाद अब जिले के अंदर ये कार्यक्रम जो है वो सफल रहा है मैं इसके लिए सरकार का भी जो इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया इसके लिए अनुदान दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ जय हिंद जय सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट